ये एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है जिसमें फीमेल लीड एक विच है और मेल लीड एक ह्यूमन है, पर क्या एक दूसरे से दुश्मनी के बाद भी इन दोनों का लव सक्सेसफुल हो पाएगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं व्हाइट और ब्लैक कपड़ों वाले दो ग्रुप्स में फाइटिंग चल रही थी। व्हाइट ग्रुप में से एक लड़का यहांग बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा था, पर वो खुद जीतने की बजाय अपने एक फ्रेंड को जिता देता है। पर यहांग हैरान था कि वो तो फाइट में हार गया था, तो मास्टर ने उसे क्यों वुदेंग का नया लीडर बना दिया। पर मास्टर बताते हैं कि सेक्रीफाइस इंसान को एक परफेक्ट लीडर बनाता है, और एक वुदेंग लीडर होने के नाते यहांग को पैलेस के किंग को रेड पिल्स देकर आने का काम दिया जाता है, और साथ में उसे लीडर की तलवार भी दे दी जाती है, और इस बहाने वो पैलेस में अपने ग्रैंडपा से भी मिल सकता है। जब वो पैलेस की तरफ जा रहा था तो गर्ल्स उसे देख हैंडसम बोल रही थीं। बांसुरी की मीठी सी आवाज़ सुन वो एक सीक्रेट गुफा के अंदर चला जाता है, और दीवार पे लिखा पढ़ने लगा था, तभी एक नकाब वाली लड़की उस पर अटैक कर देती है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। नकाब वाली लड़की उसे दीवार पे लिखा मंत्र पढ़ने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि लव दुनिया का सबसे डेंजरस जहर है। वो पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, क्या तुम्हें तुम्हारे लवर ने धोखा दिया था? पर वो तो उससे ज़बरदस्ती फाइट करने लगी थी, पर फाइट के टाइम पे यहांग से उसका नकाब हट जाता है, और उसे देख वो स्माइल करता है। वो दोनों फाइट कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों मुझे उनकी फाइट कम और रोमांस ज़्यादा लग रहा था। यहांग जब उसका नकाब उठा के उसे देता है तो वो उस पर अटैक करना बंद कर देती है। यहांग अपना नाम बताकर उस लड़की से उसका नाम पूछता है, पर वो कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। वो फिर से मंत्र पढ़ने लगा था, तो वो मंत्र को छुपाकर वहां से भाग जाती है। यहांग कहता है, जब हम कभी दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नाम जरूर सोचूंगा। इधर हम देखते हैं पैलेस के बाहर मुरोंग जो जनरल है, जनता की केयर करने के बजाय उन पर अत्याचार कर रहा था। दूसरा जनरल उसे ऐसा ना करने को कहता है, पर वो उसके नहीं सुनता, और जनरल भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका काम विच को पकड़ना था। किंग की सवारी निकलते देख सब लोग घुटनों के बल बैठ गए थे, तो एक लड़की यहांग को गौर से देखने लगती है। यहांग रेड पिल्स देने आया था, पर उससे ये बोलकर पिल्स ले ली जाती हैं कि किंग अभी आराम कर रहा है, पर वो पिल्स किंग को देने की बजाय किंग का यूनक खुद खा लेता है। किंग जो कब से बीमार पड़ा था उसकी मौत हो जाती है, और अफवाह ये फैल जाती है कि किंग को रेड पिल्स में जहर देकर मारा गया है। फिर नए किंग के नाम पर एक छोटे से बच्चे को किंग बना दिया जाता है, क्योंकि असली ऑर्डर तो यूनक चला रहा था। कुछ लोग लूनार किंगडम में पैसे देकर हाथ मिलाने आए थे, पर नकाब वाली लड़की उन्हें जान से मार देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी कि वो पैलेस के सिपाही हैं, और विच कोई और नहीं वही नकाब वाली लड़की है। वो अपनी बहन से कहती है कि ये सारे पैसे गरीबों में बांट दे। इधर यहाँ के ग्रैंडपा मुरोंग को बोल रहे थे कि शायद हमारी आर्मी में कोई धोखेबाज है, तो मुरोंग थोड़ी टेंशन में लग रहा था। विच और उसकी बहन आकर सिपाहियों पर अटैक कर देती हैं। विच ग्रैंडपा पे निशाना लगाती है, पर उसने उसे मारने के मकसद से निशाना नहीं लगाया था, और कहती है, तुम जैसे लोग जनता पर अत्याचार करते हो, पर उसे बिना मारे ही चली जाती है। फिर मुरोंग ग्रैंडपा को जान से मार देता है, पर सबको ये बोल देता है कि ग्रैंडपा को विच ने मारा है। विच तो वहां से चली गई थी, पर सिपाही उसकी बहन को पकड़ लेते हैं। यहांग गरीब लोगों को खाना बांट रहा था, पर एक बच्ची को देने के लिए उसके पास खाना खत्म हो गया था, तो वो जनरल को उस बच्ची को खाना देने को कहता है। सिपाही वहां आकर लोगों को मारने लगे थे, यहांग उन्हें ऐसा करने से मना करता है, तभी हमारी विच वहां पहुंच जाती है और सिपाहियों से फाइट करके अपनी बहन को भी आज़ाद कर देती है। सिपाही उन पर तीर चलाने लगे थे, तो यहांग भी विच के साथ उससे फाइट करने लगता है। वो भागते टाइम यहांग को भी अपने साथ घोड़े पर भगा ले जाती है, पर वो उन्हें घेर लेते हैं तो जनरल उनके भागने में हेल्प करता है। सिपाहियों का घोड़ा एक बच्ची पर चढ़ने वाला था, तो वो उस बच्ची को भी बचा लेता है, और विच की बहन उसे भी अपने साथ ले जाती है। उन सब लोगों को वो अपने साथ अपने लूनार किंगडम में ले आए थे। विच जब बांसुरी बचा रही थी तो यहांग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। जो लोगों को वो सिपाहियों से बचाकर लेकर आए थे उन्हें टाइफाइड हो गया था, इसलिए लूनार के लीडर उन लोगों को मारने को कहते हैं, क्योंकि उस टाइम टाइफाइड का कोई इलाज नहीं था, और अगर टाइफाइड बाकी लोगों को भी हो गया तो वो भी मारे जाएंगे। पर यहांग कहता है,
मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं टाइफाइड की मेडिसिन बना लूँगा। अगर नहीं बना पाया तो इन लोगों के साथ मैं भी मर जाऊँगा। तो लीडर मान जाता है। इधर मुरोंग वुदायंग के मास्टर को बताता है कि यिहांग पर किंग की मौत का आरोप है, पर उसे वो विच पकड़ कर ले गई जिसने यिहांग के ग्रैंडपा को मारा है। फिर यिहांग और विच मेडिसिन बनाने के लिए जड़ी बूटियां लेने एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं। जो उन्हें मिल जाती है तो यिहांग उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हारा नाम निशांग रखा है क्योंकि इस नाम का मतलब है ब्यूटीफुल लड़की जो सिर्फ तुम पे सूट करता है। याद है जब तुम उस दिन बांसुरी बजा रही थी तो तुम एक परी की तरह ब्यूटीफुल दिख रही थी। वो कहती है, अगर तुम लोगों का टाइफाइड ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। तो स्माइल करती है और फिर यिहांग टाइफाइड की मेडिसिन बनाने में लग जाता है। जब वो ड्रिंक करने आती है तो वो पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लव एक जहर है? वो कहती है, मेरी मास्टर ने कहा था वो जिससे लव करती थी उसने उन्हें धोखा दिया। वो कहता है, इनफैक्ट नफरत भी एक जहर है, अगर तुम नफरत करना छोड़ दो तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट डे उस बच्ची को भूख लगती है जिससे टाइफाइड था, और बाकी टाइफाइड के मरीजों को भी, क्योंकि वो सब यिहांग की मेडिसिन से ठीक हो गए थे, इसलिए सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जनरल उस बच्ची को बताता है कि फायर लांटर्न जगाने से विश मांगे तो पूरी होती है। वो उसे कहती है, थैंक यू उन लोगों को बचाने के लिए। वो कहता है, चलो अच्छा है तुम हर्टलेस तो नहीं हो। वो कहती है, मुझे वो निशांग नाम पसंद आया। यिहांग उसे टच करने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, पर वो तो उसके बाल साफ कर रहा था और उसके हाथ पे किस करता है, फिर वो किसिंग करना स्टार्ट कर देता है। निशांग को भी यिहांग से लव हो गया था इसलिए दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। यिहांग निशांग को कहता है, तुम मेरे ग्रैंडपा से मिलना, मेरे बस वही एक फैमिली मेम्बर हैं। तो वो हाँ करती है। तभी लुनार किंगडम में यिहांग को लेने के लिए वुदायंग के लोग आ जाते हैं ताकि यिहांग को इनोसेंट प्रूव करके वुदायंग पे लगा कलंक हटा सके, और निशांग को विच बोलकर फाइट करने लगे थे। पर यिहांग कहता है, निशांग विच नहीं है, वो अब से मेरी वाइफ है और मेरा काम उसे प्रोटेक्ट करना है। वो लोग बताते हैं कि इस विच ने तुम्हारे ग्रैंडपा का मर्डर किया है। यिहांग तो ये सुन हैरान था। निशांग बताती है कि उसने उसके ग्रैंडपा को नहीं मारा, पर वो लोग प्रूफ के लिए उसे निशांग का हथियार भी दिखाते हैं जिससे उसने अटैक किया था। यिहांग उसे फाइट करने से रोकने लगा था तो वो कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी शक है तो मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वो कहता है, मैं रियल मर्डर को ढूंढ के रहूंगा, वुदायंग खतरे में है तो मुझे जाना होगा, मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा, और चला जाता है। पर निशांग रोती रह जाती है। यिहांग को जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि अगर यिहांग को सजा नहीं मिलती तो वुदायंग के सारे लोगों को जान से मार दिया जाएगा। पर मास्टर को पूरा भरोसा है कि यिहांग इनोसेंट है। जो आदमी यिहांग के पास वाली जेल में था वो बताता है कि अगर यिहांग यानी वुदायंग का लीडर मर गया तो पैलेस का यूनक वुदांग के लोगों को कभी आजादी से नहीं जीने देगा, और अगर तुझे सच में वुदायंग को बचाना है यूनक का वफादार बनना होगा और फिर मौका मिलते ही उसे मार देना। यूनक पहले तो यिहांग को एक काम देकर चेक करता है। यिहांग जब उस काम को कर देता है, वुदायंग के मास्टर यिहांग को रोकते हैं तो यिहांग कहता है, मेरा अब से वुदायंग से कोई नाता नहीं, और लीडर वाली तलवार भी उन्हें वापस करके चला जाता है। जब फिर यूनक यिहांग को शादी करने के लिए अपनी बेटी तिंग तिंग से मिलवाता है तो यिहांग भी शादी के लिए हाँ कर देता है, और फिर उन दोनों की शादी होने लगी थी। इधर निशांग को जब पता चलता है कि यिहांग ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तिंग तिंग यिहांग को अपना घूंघट उठाने को कहती है, पर यिहांग बताता है कि मैं किसी और को लव करता हूँ। तभी वहाँ पे निशांग आ जाती है और उन दोनों को शादी के कपड़ों में देख तिंग तिंग का लाल कपड़ा खुद पहन लेती है और कहती है, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को मारा है या इस लड़की की वजह से? क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते थे? वो कहता है, हाँ मैं इस लड़की से शादी करना चाहता था। वो यिहांग की तलवार मारने लगी थी तो तिंग तिंग उससे थपड़ा लगा देती है, पर यिहांग तो बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ था। निशांग कहती है, तुम भी धोखेबाज निकले, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, और रोते हुए वहां से जाने लगी थी। सिपाही उसे विच बोलते हुए उसे पकड़ने लगे थे, पर अचानक से निशांग के बाल ब्लैक से वाइट होने लगते हैं जिससे वो खुद भी हैरान थी, और फिर सिपाही उसे व्हाइट हेयर विच बोलकर उसे मारने लगे थे तो यिहांग आकर उसे बचाता है। वो उसे रोकने लगे थे तो तिंग तिंग कहती है, जाने दो इन लोगों को।
ही हांग निशांग को गोद में उठाकर ले जाने लगा था तो तिंग तिंग पूछती है, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो कहता है, तुम्हारे डैड को मारने के लिए। वो कहती है, भले ही मेरे डैड बाकियों के लिए बुरे हों पर वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज मेरे डैड को मत मारना। पर वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। वो निशांग को लूनार किंगडम में वापस ले आया था, पर निशांग को बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द एक जादुई गुफा में जाकर फ्लावर नर्ची लेके आनी थी, वरना निशांग मर जाएगी। इधर निशांग को उसके मास्टर की सोल कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम मेरा लिखा मंत्र याद कर लो तो तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी और तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। पर निशांग मना कर देती है, क्योंकि मंत्र पढ़ने से वो हमेशा के लिए अपने प्यार को भूल जाएगी, यानी यांग को। जादुई गुफा में यांग को सुपरनेचुरल पावर्स वो फ्लावर उठाने से रोक रही थी, पर वो पूरी कोशिश कर रहा था और फ्लावर को टच कर ही लेता है। वो बेचारा जैसे तैसे लूनार वापस आता है, पर लीडर बताते हैं कि निशांग नहीं बच पाई। वो निशांग को देख कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसे किस करने लगता है, जिससे फ्लावर की एनर्जी निशांग के अंदर चली जाती है। कुछ टाइम में ही निशांग बिल्कुल ठीक हो गई थी और कहती है, अगर प्यार सबसे डेंजरस जहर है तो तुम्हारे लिए मुझे ये जहर भी मंजूर है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग मिलकर पैलेस को चारों तरफ से घेर लेंगे और उस पर अटैक कर देंगे, और मूरेंग और वुदेंग के लोग भी उन दोनों के साथ मिल जाते हैं। जनरल उस बच्ची को कहता है, मैं फाइट करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं वापस नहीं लौटा तो तुम मुझे मिस करोगी ना? वो कहती है, हाँ बहुत सारा। वो कहता है, मैं भी तुम्हें मिस करूँगा, जब मेरी याद आए तो लैंडरिन जगा देना। फिर वो सब ग्रुप्स बनाकर पैलेस को चारों तरफ से घेरने के लिए जाने लगे थे। जब निशांग किंगडम से बाहर गई तभी मूरोंग लूनार किंगडम पे अटैक कर देता है, यानी उसने बहुत बड़ी चलाकी करी थी। यिहांग भी उससे बहुत फाइट करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि सबसे बड़ा धोखेबाज तो मूरोंग है और उसने ही ग्रैंडपा को मारा था, पर यिहांग को वो लोग पकड़ लेते हैं। जब निशांग को पता चलता है कि लूनार किंगडम खतरे में है तो उसकी बहन कहती है, तुम जाकर लूनार को प्रोटेक्ट करो, यहाँ की फ़ाइट मैं संभाल लूँगी, और फाइट करने चली जाती है। फिर वो सिपाहियों से बहुत बहादुरी से फाइट करती है, पर लास्ट में मर जाती है। निशांग आकर देखती है कि लूनार के सब लोगों को मार दिया गया है और यिहांग को बंदी बना रखा है। यिहांग उसे वापस जाने को कहता है, पर वो अकेली ही सबसे फाइट करने लगी थी। वो लोग यिहांग को मारने लगे थे तो वो हर बार उसे बचाती है, पर फिर अपनी तलवार नीचे फेंक देती है, और दोनों ही रोने लगे थे, पर उन दोनों को बंदी बना दिया जाता है। निशांग को याद आता है कि अगर वो उस मंत्र को याद कर लेगी तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगी, और उससे पूछती है, अगर मैं ओल्ड होकर तुम्हें भूल जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? वो कहता है, तो मैं तुम्हें हर दिन याद दिलाऊंगा। वो कहती है, तो मुझे तुम्हें भूलना होगा। वो उसे मंत्र पढ़ने से मना करता है और कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मुझे भूलो, अगर हम साथ में नहीं रह सकते तो जिंदा रहने का क्या फ़ायदा। पर निशांग उस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। वो यिहांग को भी भूल जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, पर वो उसे मारे बिना ही चली जाती है। निशांग का इतना पावरफुल रूप देख सब डर गए थे, और वो एक एक कर सबको मारना स्टार्ट कर देती है। मूरोंग पहले तो फाइट करता है और फिर अपनी जान बचाकर भागने लगा था, तो वो उसके पीछे पड़ जाती है, और वो पहाड़ी के ऊपर थे तो यिहांग भी वहाँ आ जाता है, तो उसी से फाइट करने लगी थी। वो जैसे ही उसे मारने लगती है, पता नहीं एकदम से वो रुक जाती है। फाइट के टाइम पे मूरोंग पहाड़ी पर लटक गया था तो वो गला घोटने लगी थी, पर अपने लव के बारे में याद दिलाने लगा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। मूरोंग निशांग को मारने ही वाला था, पर वो उसे बचा लेता है, तो निशांग मूरोंग को पहाड़ी से गिराने लगी थी, पर वो कहता है, मेरे साथ तू भी मरेगी। जब निशांग देखती है कि यिहांग ने उसके जान बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ रखा है, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, और वो अपना हाथ छुड़ाकर मूरोंग को मार देती है। पर निशांग को गिरते देख यिहांग भी कूद जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और किस करने लगते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।